तो गाइस आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो में होने वाला है जोलो चिप चैलेंज। तो भाई हम 1v1 कस्टम रखेंगे और दो प्लेयर थे हमारे पास यहाँ पर खेलने के लिए, तो जो जीतेगा उसको दे देंगे भाई फिंगर स्लीव्स और मेंबरशिप, और जो हारेगा वो खाएगा जोलो चिप। तो हमारे प्लेयर्स तो भाई यहाँ पर तैयार है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से कौन जोलो चिप का हकदार है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था हमारे प्लेयर्स यहाँ पर तैयार है, और ये है सीएम और ये है माय डैड। तो भाई हमारे पास यहाँ पर जोलो चिप है, वीकली मेंबरशिप है और भाई फिंगर स्लिप। तो जीतने वाले के हम ये दो दे देंगे और जो हारेगा वो खाएगा जोलो चिप। तो क्या आपको लगता है कि आप जीतेंगे? तो आपको क्या लगता है आप जीतेंगे? तो चलिए भाई बिना कोई देरी के शुरू करते हैं, और कास्टिंग यहाँ पर करने वाले गेमर्स वेब। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई अपना यहाँ पे मैच हो चुका है स्टार्ट। माय डैड पे अपन अभी स्पेक्टेकेट कर रहे हैं, उसके बाद भाई सीएम को देख रहे थे। ओके सीएम आमने सामने दोनों, और जो भी हारने वाला है वो यहाँ पे खाने वाला है जोलो चिप। लेट सी क्या होता है भाई यहाँ पे। अभी अपना 10 सेकंड्स के अंदर स्टार्ट होने वाला है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं भी यहाँ पे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जोलो चिप खाने के बाद जो रिएक्शन आता ना गाइस, वो रिएक्शन का मैं वेट कर रहा हूँ। और अभी वेट हो चुका है ख़त्म, अभी अपना मैच हो चुका है स्टार्ट। लेट सी यहाँ पे माय डैड अपना मूव करते और यहाँ पे ग्लू वॉल्स के जरिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शित करते हैं, एंड सीएम पे एक बार नज़र डाल लेते भाई। सीएम और माय डैड दोनों ऑलमोस्ट आमने सामने आते हैं, कंटेनर के पीछे छुप गए, एंड भाई वंस अगेन ये भाई ये बंदा इधर साइड आ चुका है। अभी क्या होता भाई, लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फर्स्ट फाइट ही, ये लोग इतनी ज़्यादा इंटेंस कर रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पे भाई साहब। ग्लू वॉल्स और यहाँ पे सीएम ने डैमेज देना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे माय डैड को थोड़ा बहुत डैमेज लग गया, एंड ये बंदा बस अपने ग्लू वॉल्स के पीछे बच गया भाई, लिटरली जस्ट थोड़ी देर से बच गया। यहाँ पे 175 की एचपी हो रखी, एंड सामने से सीएम ने बहुत अच्छा तगड़ा सा यहाँ पे इसको डैमेज दिया। ऑलमोस्ट बंदे की लाइफ कितनी होगी भाई साहब, 50 से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी यहाँ पे, एंड फर्स्ट एड किट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एंड सीएम भाई सीएम सामने के साइड से पूरा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वन टाइम इनका यहाँ पे फर्स्ट मिस हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होने वाला है, एंड पहला डैमेज यहाँ पे सीएम, अभी तक माय डैड है ना गाइस एक भी डैमेज नहीं दे सके, और भाई वन सेकेंड इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज मिल चुका है, एंड सीएम काफ़ी बढ़िया खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड भाई यहाँ पे आमने सामने फाइट, और यहाँ पे सीएम ने फर्स्ट किल यहाँ पे कर लिया माय डैड, और यहाँ पे माय डैड की मतलब क्या ही बोलूँ, फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी भाई यहाँ पे, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पे सीएम ने बहुत पहले से यहाँ पे पुश करना स्टार्ट कर दिया था माय डैड के ऊपर, एंड माय डैड यहाँ पे ग्लू के पीछे बचने की कोशिश डिफेंस मोड पे खेले थे, अगर वो भी यहाँ पे अटैक में खेलते तो शायद वो कुछ और कर सकते थे यहाँ पे। और अपना सेकंड राउंड अभी स्टार्ट होने वाला 10 सेकंड के अंदर, एंड यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मिल चुके अपने सीएम को यहाँ पे। गेम तो मतलब सीएम के हाथ में जैसा अभी तो दिख रहा भाई यहाँ पे, अभी के लिए सीएम के हाथ में, क्योंकि गेम प्ले तो सीएम का काफी ज्यादा अग्रेसिव एंड साथ में काफी ज्यादा रश है भाई यहाँ पे। अपना मैच हो चुका है स्टार्ट यहाँ पे, एंड सीएम अब की बार यूज करे भूया के ग्लू वॉल्स भाई, क्या खतरनाक भाई भाई मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एंड यहाँ पे अपन एक बार नजर डाल लेते हैं माय डैड के ऊपर, एंड लिटरली माय डैड भी यहाँ पे ग्लू वॉल्स के जरिए दोनों आमने सामने जा रहे हैं, एंड अभी तक कोई भी स्पॉट नहीं कर एक दूसरे को यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्पॉट कर लिए भाई यहाँ पे। ओ माय गॉड, अभी तक दोनों भी डैमेज किसी को नहीं दिया, एंड काफी बड़ी यहाँ पे ग्लू वॉल की काफी ज्यादा फाइट हो रही है यहाँ पे, लिटरली क्या है यार यहाँ पे। एंड एयर ड्रॉप के पास यहाँ पे ड्रॉप लूटने की कोशिश कर रहे थे सीएम यहाँ पे, लेकिन अभी तक नहीं लूटे सामने से, बहुत काफी अच्छा शॉट है यहाँ पे माय डैड एंड सीएम को दोनों को भी भाई यहाँ पे, एंड यहाँ पे माय डैड यहाँ पे एयर ड्रॉप लूट लिए भाई, लिटरली डैमेज देते, एंड यहाँ पे 94 का डैमेज माय डैड को लिया। एंड सीएम की बात करें तो सीएम को भाई यहाँ पे लिटरली कुछ भी डैमेज नहीं मिला, बिकॉज सीएम यहाँ पे मशरूम के साथ है भाई। ओह माय गॉड यहाँ पे, एंड लेट्स वॉच ऑन दिस माय डैड के ऊपर नजर डालते थे यहाँ पे, एंड भाई लिटरली माय डैड को बार बार के यहाँ पे डैमेज मिलते जा रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा भाई। लिटरली 60 के पास, और ये काफी ज्यादा इंटेंस, एंड सीएम सेकंड किल अपने यहाँ पे ले लिए भाई यहाँ पे, लिटरली सामने से आके एकदम बहुत बुरी तरीके से रश करे, शायद यहाँ पे माय डैड को थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंस मोड से हटके अटैक मोड पे खेलना पड़ता भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, एंड यहाँ पे भाई 2 points आ चुके हैं सीएम को यहाँ पे, एंड माय डैड के पास अभी भी 0 points यानी 0 kills से अभी अपने पास यहाँ पे। लेट सी और क्या होता है, मतलब जोलो चिप यहाँ पे कौन खाने वाले, एंड खाने के बाद जोलो चिप खाने के बाद जो रिएक्शन मिलने वाला है वो कैसा होने वाला है भाई लिटिल। एंड यहाँ पे अपना और एक भी राउंड यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 1 second के बाद, एंड गाइस अपने यहाँ पे थर्ड राउंड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे सीएम वंस अगेन एग्रेसिव मोड में खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक बार माय डैड पे नजर डालेंगे दोनों आमने सामने, एंड ये वाला मैप थोड़ा सा खुला सा मैप है गाइस यहाँ पे, कंटेनर से भी
पीछे ठहर के मार सकते हैं। एंड भाई यहाँ पे सीएम भी काफी अच्छा खेलते हैं, मतलब ये थोड़ा बहुत डिफेंसिव कभी कभार टारगेट। एंड भाई सीएम यहाँ पे अपनी पहली डैमेज देना स्टार्ट कर दिया और माई डैड को, और माई डैड की लाइफ थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई थी, 10-12% यहाँ पे कम हुई थी। एंड भाई सेकंड डैमेज 1 सेकंड यहाँ पे, ओ माई गॉड भाई यहाँ पे एक बार फिर से अपन सीएम पे नजर डालेंगे। भाई लिटरली सीएम काफी अच्छा खेलते हैं, मतलब इनका जो प्लेइंग टाइप है ना गाइस, वो यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिव है, साथ में काफी ज्यादा रश है यहाँ पे। एंड माई डैड थोड़ा सा डिफेंस और थोड़ा सा बच के खेलने के चक्कर में जा रहे हैं। एंड और एक बार इनको यहाँ पे डैमेज मिल गया, यहाँ पे सीएम को लिटरली कुछ भी डैमेज नहीं मिल सक रहा यहाँ पे। और माई डैड को काफी ज्यादा गेम पुश करना पड़ता अगर उनके यहाँ पे जोलो चिप खाने से बचने का है तो। एंड भाई यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ओ नॉट, मैं समझा था यहाँ पे सीएम को गोली लगी, लेकिन यहाँ पे सीएम को गोली नहीं लगी। एंड भाई 3 HP पे बचा भाई बंदा ये वाला यहाँ पे, माई डैड ओनली 3 HP पे लिटरली एंड 1 सेकंड ये पुश करते हुए नजर आ रहे। एंड भाई दोनों की फाइट आमने सामने, एंड ये अपना फर्स्ट किल था यहाँ पे माई डैड का भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। माई डैड का ये अपना फर्स्ट किल था और यहाँ पे पहली बार सीएम मरे भाई लिटरली। और यहाँ पे गेम को थोड़ा सा मिसबैलेंस करे अपने माई डैड ने और इमोट मारते हुए नजर आ रहे। एंड इनके पास 1 पॉइंट सीएम के, माई डैड के पास 1 पॉइंट और यहाँ पे सीएम के पास यहाँ पे 2 पॉइंट है गाइस। लेट्स सी नाउ यहाँ पे और एक पॉइंट अगर यहाँ पे माई डैड कलेक्ट कर लिए तो भाई यहाँ पे मैच हो जाता ऑलमोस्ट ड्रॉ के बदले में हो जाता गाइस। लेट्स सी नाउ क्या होने वाला है अभी अपना 5 से 4 सेकंड के अंदर मैच 1 सेकंड स्टार्ट होने वाला गाइस। लेट्स सी, ओ भाई साहब अभी तक यहाँ पे दोनों के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। एंड एक बार मैं सीएम पे नजर डालता हूँ, ओके सीएम भाई ये साइड से आ रहे हैं। एंड दोनों भी अगेन 1 सेकंड आमने सामने, एंड यहाँ पे माई डैड भी आमने सामने कंटेनर्स के पीछे छुप के खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ओ ओ एम जी भाई यहाँ पे थोड़ा सा बाजू इधर साइड आ गए थे भाई सीएम यहाँ पे और एक बार माई डैड दोनों की 1 सेकंड फाइट। एंड भाई लिटरली 98 मतलब ऑलमोस्ट 50% उनकी लाइफ यहाँ पे कम हो चुकी थी। एंड भाई यहाँ पे माई डैड ने यहाँ पे सेकंड किल ले जाए और मैच यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्रॉ कर दिया, मतलब दोनों के पॉइंट्स यहाँ पे एकदम इक्वल है गाइस यहाँ पे। ओ एम जी भाई यहाँ पे दोनों के पॉइंट्स लिटरली इक्वल हो चुके हैं, दोनों के दोनों भी 2 पॉइंट्स पे आ चुके हैं यहाँ पे, दोनों के पास 2 किल थे यहाँ पे लिटरली। लेट्स सी नो यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड अभी अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है 15 से 20 सेकंड्स के बाद में यार। अपना यहाँ पे थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस यहाँ पे थर्ड, भाई यहाँ पे अभी और ज़्यादा मजा आने वाले, यहाँ पे पूरा गेम पलटने वाला है भाई यहाँ पे लिटरली। इधर साइड में पूरा का पूरा गेम यहाँ पे ऑलमोस्ट बदल जाता है क्योंकि देखेंगे यहाँ पे पॉइंट जो स्कोर कराना भाई उसकी हाथ में ऑलमोस्ट गेम आ जा सकती है यहाँ पे। एंड दोनों यहाँ पे ग्लू वॉल का काफ़ी बढ़िया यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड भाई पीछे से इसको बंदे ने काफ़ी बढ़िया किल दे दिया, सीएम ने पीछे के साइड से आगे मार दिया भाई लिटरली। वाह क्या सीन है, काफी प्यारा किल था ये वाला यहाँ पे लिटरली, पूरे मैच का अब तक का सबसे बेस्ट किल था गाइस यहाँ पे। एंड यहाँ पे बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे अपने सीएम भाई ने, मतलब क्या बोलूँ मैं, अपने सीएम काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे, मतलब एग्रेसिव के साथ में अपना जो माइंड पावर भी यूज करें। एंड माई डैड यहाँ पे थोड़ा सा रिवेंज लेने के चक्कर में दिख रहे गाइस, मेरे को थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा अगर वो माइंड यूज करके अतराफ के साइड भी अगर ग्लू वॉल यूज करते तो शायद वो बच सकते थे यहाँ पे। अभी अपना मैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, अपना जो फोर्थ राउंड है भाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है लिटरली भाई। एंड यहाँ पे दोनों 1 सेकंड ग्लू वॉल का यूज़ करते हैं, अभी चारों तरफ अपने माई डैड ग्लू वॉल लगा रहे हैं भाई यहाँ पे। एक बार सीएम पे नजर डाले थे, सीएम काफ़ी बढ़िया दूर से लॉन्ग शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 6-6 का डैमेज भी दिए भाई, काफ़ी बढ़िया 173 HP हो चुके हैं यहाँ पे माई डैड के। यहाँ पे एक बार सीएम पे नजर डाले थे भाई, सीएम बंदा है ना भाई काफ़ी ज़्यादा दूर से और अच्छा IQ लेवल के साथ खेल रहा है यहाँ पे। एंड माई डैड थोड़ा सा सामने रश करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज बंदे के पास है ना गाइस रश करने के गन्ने और वो अपनी M1887 उससे लॉन्ग शॉट्स नहीं खेल सकते यहाँ पे, 2 के 2 गन भी M1887। एंड यहाँ पे ग्लू वॉल फाइट होने वाली है जैसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड भाई लिटरली एक शॉट मिल सकता है यहाँ पे, ओह माय गॉड काफी बढ़िया यहाँ पे ग्लू वॉल दोनों भी एक टाइम पे सही टाइम पे डाले गए यहाँ पे। एंड बाहर जोन भी सता रहा और भाई यहाँ पे माई डैड वंस अगेन जर्रे से बच गए गाइस लिटरली, जर्रे से बच गए यहाँ पे। एंड यहाँ पे और एक शॉट लेने की कोशिश करे सीएम यहाँ पे और सीएम कुछ भी नहीं कर सके, दोनों के पास भी HP काफी ज्यादा कम है यहाँ पे, 50 से कम है दोनों के पास भी HP गाइस यहाँ पे। और दोनों भी अंदर पुश कर दिया बिकॉज जोन है ना गाइस, जोन बाहर जोन पूरा क्लोज कर दे रहा था उन लोगों को यहाँ पे। एंड एक बार अपन माई डैड के ऊपर नजर डालेंगे, एंड माई डैड भी काफी बढ़िया अब की बार खेलते हुए नजर आ रहे। एंड गाइस यहाँ पे इंटेंस फाइट हो चुके और सीएम ने यहाँ पे काफी बढ़िया किल लिया यहाँ पे, ओ माई गॉड यहाँ पे सीएम के हो चुके 4 पॉइंट्स एंड यहाँ पे माई डैड के हो चुके यहाँ पे 2 पॉइंट्स गाइस लिटरली। और ये वाले मैप में क्या होने वाला है लेट्स सी नाउ। सो यहाँ पे अपना 5 सेकंड के बाद में अपना और एक मैच जो फाइनल, मतलब फाइनल से पहले का जो राउंड अपन इसे कह सकते हैं गाइस, और जाने तो ये वाला फाइनल राउंड भी हो सकता है गाइस लिटरली, मैं होना बोल के फाइनल राउंड नहीं बोल रहा इसको, क्या हो सकता कौन से टाइम पे क्या हो सकता अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर प्लेयर्स दोनों प्लेयर्स अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेले तो भाई यहाँ पे माई डैड लिटरली यहाँ पे माई डैड अपनी गेम को पलटा सकते हैं चाहे तो अगर वो। एंड यहाँ पे अगर अपन माई डैड बाहर की तरफ है और यहाँ पे डैमेज देना स्टार्ट कर दिया माई डैड, एंड यहाँ पे एक हेडशॉट 27 का डैमेज पड़ा। एंड सीएम यहाँ
पे ऑलमोस्ट 50% उनको ज़्यादा डैमेज मिल चुका है एंड बंदा यहाँ पे फर्स्ट एड किट यूज़ कर रहा है लिटरली एंड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बेचारे को यहाँ पे। और माय डैड अंदर पुश करते हैं अब नज़र आ रहे हैं बिकॉज वो फर्स्ट एड किट यूज़ करे उतनी देर में वो अंदर पुश कर लें एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट आमने सामने हो सकते थे यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे इंटेंस फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे सीएम ने काफ़ी बढ़िया किल ले लिया एंड गाइस यहाँ पे फाइनल बूया अपना यहाँ पे हो चुका है। नहीं भाई इतना जल्दी कैसे हो सकता अपना जोलो चिप्पा चैलेंज, अभी और टाइम है यार, अभी थोड़ा सा और 3-4 राउंड्स खेलेंगे ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे माय डैड के पास अभी भी 2 किल्स है और यहाँ पे सीएम अभी यहाँ लीडिंग करते हुए नजर आ रहे गाइस यहाँ पे लिटरली। और माय डैड को थोड़ा सा और अच्छा सा खेलना पड़ता अगर उनके यहाँ पे जोलो चिप खाने से बचने का है तो अगर यहाँ पे। एंड सीएम तो पूरी की पूरी कोशिश कर दे रहे यहाँ पे माय डैड यहाँ पे जोलो चिप खिलाने के लिए एंड यहाँ पे माय डैड भाई इमोट्स यूज कर रहे यार क्या बोल रहा है यहाँ पे माय डैड को। लेट्स सी ना यहाँ पे अब की बार अपन थोड़ा सा माय डैड को ज़्यादा स्पेक्टेकिंग करेंगे यहाँ पे। एंड गाइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करते हुए एंड यहाँ पे सामने से ग्लू वॉल्स नजर आ गए एंड एयर ड्रॉप और भाई सीएम ने काफ़ी बढ़िया डैमेज देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ओ माय गॉड लिटरली काफ़ी बढ़िया था ये वाला शॉट यहाँ पे एंड दोनों के फाइट अभी आमने सामने एंड फाइट। ओ माय गॉड माय डैड पीछे से दबाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे बच गए एंड यहाँ पे माय डैड और भाई दोनों एकदम आमने सामने आके लड़ रहे क्या होने वाले लिटरली मेरे को भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। एंड ग्लू वॉल्स काफ़ी सही इस्तेमाल कर रहे दोनों यहाँ पे। एक बार अपन माय डैड पे नजर रखेंगे भाई यहाँ पे एंड यहाँ पे भाई लिटरली यहाँ पे माय डैड ऑलमोस्ट मार सकते थे अगर उनका एक भी शॉट अगर सही लगता हो यहाँ पे। थोड़ा सा मिस चांस हो गया यहाँ पे एंड गाइस यहाँ पे नीचे से मारने की पूरी कोशिश कर रहे। ओ माय गॉड यहाँ पे अगर थोड़ा सा झुक गया तो हेडशॉट उनको मिल जाता एंड कोबरा यूज करके मारने की कोशिश करें मतलब अपनी जो कोबरा MP40 है गाइस वो बोल रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे सीएम है ना गाइस अंदर चले गए बिकॉज उनके पास थोड़ी सी लाइफ काफी ज्यादा कम है एंड यहाँ पे माय डैड यार लिटरली पीछे के साइड से मूव करने की कोशिश करें और यहाँ पे सीएम ने और एक किल ले लिया भाई लिटरली। अभी नेक्स्ट राउंड फाइनल राउंड होने वाला है सीएम के लिए और माय डैड को अभी भी चांस है चाहे तो सीएम को मार के फिर से फाइनल पे हटा सकते भाई अगर उनको जोलो चिप खाने का नहीं होता लिटरली। ये वाला मैच जोलो चिप से काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा भाई क्या बोलूं मैं यहाँ पे। और 14 सेकंड में भी मालूम होने वाला है जोलो चिप कौन खाने वाले यार लिटरली। एंड यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो। ये अपना फाइनल राउंड हो सकता है अगर सीएम यहाँ पे मैच जीते तो या नहीं तो भाई यहाँ पे माय डैड अगर मैच जीत गए मतलब हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना अगर माय डैड के दिमाग में वो आ गया तो लेट्स सी यहाँ पे सीएम की लगने वाली अपन कह सकते हैं गाइस यहाँ पे। अभी दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शांत खेल रहे और यहाँ पे सीएम ने स्पॉट कर लिया माय डैड को यहाँ पे भाई लिटरली काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे माय डैड यहाँ पे बचे और थोड़ी सी इनकी लाइफ भी थोड़ी सी कम हो गई थी एंड दोनों भी यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे और यहाँ पे शॉट मिस हो गए माय डैड के एंड सामने से काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल चुका है यहाँ पे और इनकी लाइफ ऑलमोस्ट 100 से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है लिटरली यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे सीएम क्या मूव कर रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पे ग्लू वॉल्स दोनों सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्पॉट तो दोनों एक दूसरे को कर लिए गए यहाँ पे एंड डैमेज देने की पूरी कोशिश और यहाँ पे ग्लू वॉल्स सही टाइम पे लग चुकी है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे माय डैड काफ़ी बढ़िया डैमेज दिया यहाँ पे सीएम को और यहाँ पे सीएम पूरी कोशिश कर रही है फाइनल मैच जीतने की गाइस यहाँ पे बिकॉज सीएम को जोलो चिप खाना दिल नहीं बोल रहा शायद यहाँ पे। समझ रहे हो आप सी और माय डैड यहाँ पे पूरी अपनी की पूरी पूरी कोशिश कर रहे गाइस यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे माय डैड क्या करने वाले और भाई माय डैड की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कम है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा उनको फर्स्ट एड किट यूज़ करके और पुश करना पड़ता और यहाँ पे सीएम सामने के साइड में इमोट डाल रहे थे एंड उतना यूज़ करके अपन माय डैड शॉट्स लेने की कोशिश करें लेकिन यहाँ पे दोनों अरे भाई यहाँ पे माय डैड भी यहाँ पे इमोट डाल रहे लिटरली यार। और यहाँ पे डैमेज काफ़ी बढ़िया डैमेज दिया और यहाँ पे ग्लू वॉल मिस होगा भाई लिटरली माय डैड का ग्लू वॉल माय डैड को सीएम का ग्लू वॉल बचा लिया भाई यहाँ पे लिटरली क्या बोलूं मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे माय डैड की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है एंड सीएम भाई इधर साइड से हंसने का इमोट और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किल था गाइस ये वाला लास्ट के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे अपने जो मैच के जोलो चिप के जो विनर है वो है अपने आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं मेरे को नाम बोलने की तो जरूरत है नहीं सीएम है गाइस यहाँ पे लिटरली काफ़ी बढ़िया किल से इनका और डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड गाइस यहाँ पे अपने जो माय डैड है उनका भी डैमेज काफ़ी ज़्यादा गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंटेंस था उनका लेकिन भाई थोड़ा सा अगर वो अपने माइंड को और साथ में आईक्यू को यूज़ करते तो वो अच्छा खेल सकते थे गाइस यहाँ पे। सो मैं अपना जो माइक है ना गाइस यहाँ पे क्लैश ऑन फायर को दे दे रहा हूँ। मज़ा आया ठीक है आप सभी लोगों को पता है सीएम यहाँ पर जीत चुके हैं और माय डैड यहाँ पर हार चुके हैं तो भाई यहाँ पर ये लॉल मार रहे हैं इनके ऊपर। और भाई ये है सीएम का गिफ्ट तो ये है वीकली मेंबरशिप और फिंगर स्लीव सीएम के हवाले हम कर देते हैं। और भाई माय डैड के गिफ्ट यहाँ पर रखे हुए बहुत ही प्यारे गिफ्ट है और सबसे प्यारा गिफ्ट तो ये है भाई। तो क्या आप जोलो चिप चैलेंज के लिए तैयार है? हाँ, नहीं। क्यों भाई कर लो अभी तो खाना पड़ेगा आप हार चुके हो यहाँ पर तो क्यों यार अभी कर लो चलो खा लो बहुत अच्छा दिखेगा। नहीं, नहीं। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं है
अरे नहीं कुछ नहीं होगा, इतने सारे चीजें रखे हुए हैं, आप खा सकते हो। देखो भाई बर्फ भी रखी हुई है, सब चीजें रखी हुई है, रसगुल्ले खा लो, लेकिन जोलो चिप खा लो। आप हार चुके तो आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं ये नहीं खाएंगे वो, तो हम देखते हैं आप कैसे नहीं खाएंगे। तो भाई खाना है तो ही पड़ेगा। तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो कैसे भी खाएंगे मुझे पता है, मैं खिलाऊंगा तो ये खाने वाले। तो भाई चलो सीधा चैलेंज शुरू कर देते हैं। तो चलो आप आपका जोलो चिप अभी खोलो। भाई ये तो जोलो चिप खोल चुके हैं और खाने की तो बहुत जल्दी है, तो जल्दी जल्दी अपने मुंह के अंदर डालो, जल्दी जल्दी मुंह के अंदर डालो। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने जोलो चिप को बाहर निकाल चुके हैं। तो एक बार कैमरे को जोलो चिप बता दो, जोलो चिप कैसे होता है लोग भी देख लेंगे। तो चलो चलो भाई जोलो चिप खाओ, अभी जल्दी खाओ। नहीं इतना मत समझो, कुछ नहीं होगा, खाओ खाओ। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, तुम अभी जिंदा रहोगे, इतने सारे चीज़ें रखी हुई है। तो भाई टाइमर शुरू कर दो, टाइमर शुरू कर दो। ये तो अपने मुंह के अंदर डाल दिए, तो इनको सरवाइव करना है 2 मिनट 15 सेकंड बस। और ये अभी खाना शुरू कर चुके हैं, तो चबाओ चबाओ, ऐसे मुंह में रखने से कुछ नहीं होगा, चबाओ चबाओ। तो ये अभी चबा रहे भाई अपना जोलो चिप। और तो आपको कैसा लग रहा है, मिर्ची लग रही है, नहीं लग रही अभी कुछ भी? अच्छा लगेगी लगेगी, थोड़ा सब्र कर लो, 2 मिनट रुक जाओ। तो अभी मिर्ची लग रही है आपको, आपके आंखों से नजर आ रहा है कि आपको मिर्ची लग रही है, आपकी आंख में अभी पानी आ चुका है। तो भाई ये कैमरे के सामने शायद अपना रिएक्शन नहीं देना चाह रहे, तो देखते हैं। तो पूरा भाई आप उसके अंदर की मिर्ची भी साफ कर लो। हाँ चलो बस बराबर। तो आपको मिर्ची लग रही है कि नहीं, अभी भी नहीं लग रही? अच्छा तो चलो देखते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। तो भाई ये तो लंबी लंबी सांसें ले रहे, और इनके पास से 1 मिनट 20 सेकंड और अभी भी इनको मिर्ची नहीं लग रही, नहीं लग रही मिर्ची? अच्छा तो भाई और 1 मिनट 10 सेकंड बाकी है इनके पास, और इनके आंख अभी से लाल होना शुरू हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इनके आंखों में पानी आ रहा है, और ये बोल रहे मिर्ची नहीं लग रही। तो भाई हंस रहे हैं ये, अच्छा अच्छा हंसने से कुछ नहीं होगा, मिर्ची लगेगी। तो आपको बराबर अभी भाई 50 सेकंड अभी भी सर्वाइव करना है आपको। तो कुछ नहीं, जैसे ही टाइमर खत्म हो जाएगा जो भी मिला उठा लो, खा लो, पानी पी लो। तो भाई आप देख सकते हैं इनको रोना आ रहा है और इनके आंख से आंसू जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है हार के जोलो चिप खा के? मिर्ची नहीं लग रही अभी भी? अच्छा तो ये आंसू क्यों जा रहे? चल झूठा। वाह। तो भाई ये अभी बोल रहे हैं कि मिर्ची नहीं लग रही, लेकिन इनके आंखों में से पानी जा रहा है। तो इनका देख सकते हैं आप चेहरा लाल हो चुका है, और इनके पास सिर्फ भाई 20 सेकंड बाकी रह चुके हैं, तो 20 सेकंड इनको सर्वाइव करना है। तो ये देखो भाई कैमरे को कितने अच्छे से देख रहे हैं। तो ये बता रहे हैं, तो अभी आपको अभी नहीं आपको बस अभी थोड़ा सबर कर लो, 8 सेकंड है। तो भाई सिर्फ 5 3 2 1, तो टाइमर रोक दो भाई, और यहाँ पर ये भाई सरवाइव कर चुके हैं जोलो चिप चैलेंज। तो लास्ट चिप चैलेंज है, सरवाइव कर चुके हैं। तो अभी आपको मिर्ची लग रही है, आप पानी पी सकते हैं, आपको जो खाना है आप खा लो। तो भाई इनको अभी मिर्ची लग रही है खतरनाक, और वैसे इनका रिएक्शन तो इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी भाई इनके आंखों में से पानी जा रहा था, और ये बोल रहे थे कि मिर्ची नहीं लग रही। तो जल्दी जल्दी आपको जो पीना है पी लो, पानी चाहिए आपको? तो ये अभी बादाम भी डाल लिए, तो पानी डालो भाई, गिलास के अंदर पानी डालो। तो ये अभी बादाम मिल रहा है, सब डाल लेंगे अभी, इनको बहुत खतरनाक मिर्ची लग गई। तो टाइमर को मत देखो, टाइमर 0 हो चुका है, अभी आपको सर्वाइव नहीं करना है, आप सर्वाइव कर चुके हो। तो भाई ये जोलो चिप चैलेंज भी जीत गए, ये भाई 2 मिनट 15 सेकंड ये सर्वाइव कर चुके हैं, और आराम से भाई क्या कर रहे, मिर्ची दबा के लग रही है क्या? तो चलो चलो आप खा लो खा लो। तो अभी भी नहीं बुझी मिर्ची आपकी? नहीं बुझी? अरे आपको मिर्ची नहीं लगी थी, तो फिर भाई अभी तक बुझ क्यों नहीं रही, वो तो बोलो। तो भाई ये बंदे के लिए भाई यहाँ पर 1 लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम आगे भी ऐसे ही बहुत ही खतरनाक चैलेंजेस के वीडियोस लेके आएंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं ये रसगुल्ले उठा रहे हैं, तो आप खा लो डेरी मिल्क खा लो, आपकी मिर्ची नहीं बुझी तो।
तो देखो भाई बर्फ भी रखी हुई है तो बर्फ भी उठा लो, अगर मुंह जल रहा है जबान जल रही है तो आप गाइस देख सकते हैं और इनकी आंखें बहुत ही खतरनाक लाल हो चुकी है। तो भाई इतना प्यारा रिएक्शन मैंने कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में। अभी तक इनकी आंखें लाल होगी। मिर्ची बुझी कि नहीं अभी भी? बुझ गई? नहीं बुझी। खा लो जल्दी खा लो। मिर्ची लगी थी तो बुझी का। तो अभी देखते हैं भाई इनका क्या हाल होगा कुछ ही देर के अंदर, ये सब ये खा पाएंगे कि नहीं। और इनकी भाई जबान खतरनाक जल रही है और तो इनको बर्फ से अभी ठंडा लग रहा है। तो अभी ठंडा है, आराम है। लाइक करो भाई। तो भाई इनके तरफ से एक लाइक जरूर कर देना और ये लाइक करने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई ये बंदा भाई 2 मिनट 15 सेकंड सरवाइव करा है तो इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है, आप लोग जरूर लाइक करना। सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब। तो भाई ये बंदा बोल रहा है सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर दो इसकी तरफ से भाई। तो भाई इनकी आवाज भी नहीं निकल रही यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक के बोलने के लिए। तो ये तो पहले बोल रहे थे भाई मिर्ची नहीं लग रही, मिर्ची नहीं लग रही 1 मिनट तक, और अभी देखो इनका चेहरा पूरा लाल हो चुका है। तो लो पानी पी लो। तो भाई रसगुल्ले उठा लो, डेयरी मिल्क खोल लो, खा लो, आपकी मिर्ची बुझ जाएगी। खाओ खाओ डेयरी मिल्क खाओ, खोलो। पेट भर गया? पेट नहीं, अभी मिर्ची बुझी? मिर्ची बुझी? नहीं बुझी। खाओ खाओ खाओ, चलो चलो खा लो खा लो। तो भाई इनको अभी भी हुआ हो रहा है। तो शुरू में तो इनको मिर्ची नहीं लग रही थी और ये देखो भाई अभी सारे चीजें खत्म होती जा रही है एक के बाद एक, और इनको अभी भी शायद मिर्ची नहीं लग रही। तो आप इनके फेस से देख सकते हैं भाई क्या हाल हो चुका है इनका। तो गेमर्स मैम आप क्या बोलना चाहते हैं इनके लिए? मेरे मुंह पर पानी आ रहा, रसगुल्ला देख के, डायरी मिल्क देख के, माजा देख के। भाई गेमर्स मैम के मुंह में तो रसगुल्ला देख के पानी आ रहा है। और ये देखो भाई जो हारने वाला इतने मजे मजे से खा रहा है और जीतने वाले को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक छोटा रिडीम कोड। लिटरली मेरे भी कुछ अलग दिखा जीते से वाले के लिए, एक रिडीम कोड लेके चलेगा। लेकिन भाई बहुत ही जोलोशिप काफी ज्यादा खतरनाक था। लिटरली बंदे ने काफी हद तक सहन करा अपने अंदर, जोलोशिप खा के भी एक्सप्रेशन बहुत अच्छा छुपाया बंदा यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे अपना जो विनर है ना, कहाँ चले यार बेचारा विनर। एंड ये लिटरली विनर अपना फ्रेम में आएगा रसगुल्ले खाने के लिए। भाई जोलोशिप खाना था उसके लिए भाई, ये तो जोले चिप खाना पड़ेगा फिर तुम्हें भी। अरे भाई और एक जोले चिप मंगाओ इनके लिए। देखो भाई इनके आंख से सिर्फ आंसू जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। और भाई इनका तो आज रात में बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो ये ठीक से सो नहीं पाएंगे और ना ही कुछ खा पाएंगे। तो ये बोल रहे थे मिर्ची नहीं लग रही और ये अभी खुद भाई मादा डाल के पी रहे हैं। रसगुल्ले उठाओ, उससे भी मिर्ची बुझेगी। तो आपको ठंडा लग रहा है? भाई नाक से पानी हाल में कर रहा है भाई, बंदा अपना फॉर्म में आ गया। तो भाई इनके भी बहुत बुरी हालत हो चुकी है और देखो आप ये सब कुछ खत्म कर चुके हैं यहाँ पर, तो सिर्फ रसगुल्ले बाकी रहेगा और डेयरी मिल्क बाकी रहेगा। तो खाओ भाई खाओ, तुम्हारा रिएक्शन ही रिकॉर्ड करना है हमें। तो भाई इनकी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जोलो चिप तो इन्होंने भाई पूरा साफ कर दिया, देखो अंदर पैकेट पूरा साफ है। ये मिर्ची खाओगे अभी? इसके अंदर मिर्ची बाकी है, खाओगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे क्यों? क्या हो गया? खा लो भाई थोड़ी मिर्ची बाकी है। अब कितना खाएंगे? भाप निकल रहा है तो अब कहाँ से खाएंगे? तो भाई इनका हालत तो बहुत खतरनाक हो चुका है। और ये चलो भाई रसगुल्ले खत्म करो, क्या हुआ मिर्ची नहीं बुझानी है? कहाँ जाओगे? यही खाना पड़ेगा। तो इनकी जबान भाई बहुत ही खतरनाक लाल हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, अपना जो विनर है वो रिडीम कोड यहाँ पर क्लेम करेंगे, आप सभी लोग के सामने रिडीम कोड क्लेम करेंगे वो, क्योंकि आप सभी लोग को भाई ये भी पता चले कि भाई मैं फेक गिव अवे नहीं कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग के सामने होगा ये सब। तो भाई इनको अभी भी मिर्ची लग रही है। तो भाई सीधा हम चलते हैं विनर की तरफ। देखेंगे ना कौन जीतते कौन आते अगली बार। तो विनर भाई यहाँ पर जीत चुके हैं और चलो भाई रिडीम कोड आप खोल दो, आप सबको रिडीम कोड दिखा दो और आप वीडियो के अंदर ही रिडीम कोड को क्लेम करो।
तो भाई ये अपना रिडीम कोड क्लेम कर चुके हैं और इनको भाई यहाँ पर आ चुके हैं 159 रुपीस। और ये अभी भाई परचेस करने वाले वीकली मेंबरशिप, तो सब्सक्राइब कर लो और अपना फिंगरप्रिंट लगा दो। अरे भाई कौन सा फिंगर है वो तो लगाओ। तो भाई इन्होंने यहाँ पर परचेस कर लिया और ये इनके 100 डायमंड्स और वीकली मेंबरशिप। तो भाई इनको मेंबरशिप यहाँ पर मिल चुकी है और इन्होंने भाई अपना रिडीम कोड क्लेम कर लिया। तो आपको जीत के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो चलो भाई ये तो जीत गए और इनको भाई बहुत ही अच्छा मजा आ गया। तो चलो अभी हम चलते हैं सीधा जो जोलो चिप चैलेंज से उनके पास। विनर तो बहुत ही खुश है रिडीम कोड क्लेम करके। तो आपको कैसा लग रहा है जोलो चिप खा के? बहुत खतरनाक था ये। अगली बार मेरे को नहीं मालूम था कि ये बहुत खतरनाक है, तो मैं खा लिया हूँ। बहुत अजीब। कैमरे को देख के बोलो। अब आप लोग अभी याद रखे, अब ये जोलो चिप बहुत खतरनाक है, अब खाना नहीं। अब कहीं को बोला था, अब मेरे को नहीं मालूम था बोल के मैं खा लिया। अब जो पूरा पेट जल रहा है, अब मुंह भी जल रहा है, बहुत खतरनाक। तो इनकी भाई हालत बहुत ही पतली हो चुकी है। तो जैसे कि आप इनकी आंखें देख सकते हैं पूरी लाल हो चुकी है। और ये जोलो चिप भाई चैलेंज सरवाइव कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे लास्ट चिप चैलेंज भाई इन्होंने सरवाइव कर लिया। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो चलो भाई मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लैश ऑन फायर। बीच में गाड़ी का